हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर फोर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फोर हमें दे रखा है यहाँ पे कि हाउ मैनी लाइज कैन बी पास थ्रू, सॉरी लाइन्स है यहाँ पे, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर आपको एक गिवन पॉइंट दे दे, इसे आप कितनी लाइनें पास कर सकते हो। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से, इसमें से आप जितनी मर्जी लाइन पास कर सकते हो, कोई काउंटिंग ही नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट से, ये तो मैंने थोड़ी डार्क लाइन है मेरी, अगर बारीकी से बनाया जाए तो इसमें बहुत सारी लाइनें पास की जा सकती हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट, यानी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। क्लियर, ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट बोला दो गिवन पॉइंट, पहला गिवन पॉइंट ये हो गया, दूसरा गिवन पॉइंट ये हो गया, इसको नाम दिया, इसको नाम दिया बी। अब मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन हुई। अब इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, अब मैं टेढ़ी करके बनाऊंगा तो वो तो कर्व कहलाएगा, लाइन तो नहीं कहलाएगी। तो दो पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन पास की जा सकती है, तो क्या लिखेंगे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव को। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला गया ड्रॉ द रफ फिगर एंड लेबल द सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें फिगर बनानी रफली और इनके ऊपर जो ऐसा बोला गया हम उसको उस तरीके से मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक। बोला गया पॉइंट पी होना चाहिए लाइन सेगमेंट ए बी पर, तो हमने क्या बनाया, ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाया और पी इसके ऊपर लाई करना चाहिए। तो पी कहीं पर भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे शो कर सकते हो। ए लो जी, ये मेरा पी पॉइंट हो गया जो ए बी लाइन पर रिप्रेजेंट है। क्लियर, अब डिस्कस करेंगे इसका बी पार्ट। बी में बोला गया है एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट करती है एम पे। कोई बात नहीं, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है एक्स फिगर बनानी है आपको। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये दूसरी लाइन होगी जिसका नाम क्या है, पी क्यू, पी इसका नाम दे दिया क्यू। दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जो उनका कॉमन पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट एम कहेंगे। क्लियर, ये हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर सी, जिसमें बोला गया लाइन एल कंटेन ई और एफ बट नॉट डी। कोई लाइन एल है, जैसे कि ये लो जी लाइन एल होगी, ई बी है, एफ बी है, इस पर ई बना दिया, एफ बना दिया, बट डी नहीं है, डी नहीं है तो मत बनाओ इस पर, कहीं बाहर बना दो, ऊपर बना दो, नीचे साइड में कहीं बना दो, बट इसके ऊपर मत बनाओ, बस हो गया हमारा डी सी पार्ट। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम डी पार्ट। बोला ओ पी और ओ क्यू दोनों ओ पे ज्वाइन करती हैं। लो जी ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, इसका नाम दे दिया पी, ठीक है, ओ पी हो गया। दूसरा इसका नाम दे दिया मैंने क्यू, दोनों एक दूसरे के साथ कहाँ ज्वाइन करती है, पॉइंट ओ पर करती है। तो ओ पी एंड ओ क्यू दो अलग अलग हमारी कौन हो गई, क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है। तो अब चाहो तो थोड़ा इसको और बढ़ा लो, इसको थोड़ा और बढ़ा लो, दोनों एक दूसरे को ओ पर ज्वाइन करती है। क्लियर, ये हमारा डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।